स्टूडेंट फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट रिवीजन फॉर पीटी फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, आप लोगों की पीटी फर्स्ट एग्जाम होने वाली है। सो दिस इज द वीडियो फॉर रिवीजन पीटी फर्स्ट एग्जाम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बायो का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारे बेसिक फंक्शन जो है ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमें फॉर प्रोसेसेस पढ़नी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। फॉर प्रोसेसेस है मेन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसे एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसे यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो एंड देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो होते हैं टू टाइप्स है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम लोग रिविजन करने वाले, तो हमें फास्टली इस चैप्टर को देखना है शॉर्ट में, बट आपको लाइन टू लाइन इसका पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है, एग्जाम आइडिया जो भी, उसकी लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बीच में से भी बन सकता है, पूरा सैम्पल पे वैसा ही बनेगा। तो आप लोगों को हर लाइन एक समझना और देखना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मीन्स क्या? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशमेंट्स। ऑर्गेनिज्म दोज प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो खुद का फूड प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खुद का फूड जो होते हैं खुद ही प्रिपेयर करते हैं, सिंपल सब्सटेंस है, जस्ट लाइक CO2, H2 और सनलाइट। ठीक है, तो इन लोगों की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट CO2 प्लस H2O, CO2 और H2O के मिक्स करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O में। तो वो ग्लूकोज दिस इज फूड फॉर प्लांट, ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब जो रॉ मटेरियल से CO2 और H2O कहाँ से आते हैं? तो CO2 जो है वो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज करते, CO2 को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर करेंगे। H2O मीन्स वाटर, वाटर इज टेकन बाय रूट्स, रूट्स जो होगी वो वाटर लेगी सॉइल से। ठीक है, और क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल में ही वो कैपेसिटी होती है कि वो CO2 और H2O को कंबाइन करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, क्योंकि CO2 जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिटिंग करेंगे, तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग। थर्ड में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ हीटरोट्रॉप, सेकेंड टाइप इज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर ऑन देयर फूड एंड दे टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, ये खुद का खुद जो प्रिपेयर नहीं करेंगे, किसी और से अपना फूड लेंगे। तो हीटरोट्रॉपिक, हीटरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो अदर न्यूट्रिशन, दूसरों का न्यूट्रिशन लेना। तो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑल्सो थ्री टाइप, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक मीन्स, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल टेक सॉलिड फॉर्म एंड डाइजेशन इज हैपन इनसाइड द बॉडी, मीन्स हम लोग और एनिमल्स जो काउ बफेलो और ये क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में हम लोग फूड को लेते हैं, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, ये फूड मटेरियल को जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और वो लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये क्या करेंगे? डेड और डिक्लाइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो होंगे उन्हें बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेशन के बाद जो लिक्विड फॉर्म आगा उसे एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी में लेंगे। ठीक है, और थर्ड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड अनादर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बॉडी के बाहर या अंदर किसी अनादर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और उनसे अपना क्या करेंगे? डिराइव
न्यूट्रिशन जो होंगे उनसे लेंगे विदाउट किलिंग देम. एंड दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इंस्टेड यूज टू वाइल्ड वेराइटी ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, अमरबेल जिसे हम लोग बोलते हैं, टीक, स्लाइस, की स्टेप वॉर्म, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पैरासाइटिक मीन्स दूसरों की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, अब हमें देखना था हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इनमें कैसे लेते हैं. एक अमीबा, ये तो हो गया हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें टू न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है, टू ऑर्गेनिज्म के, एक अमीबा का और सेकेंड है ह्यूमन बींग्स का. तो अमीबा के अंदर भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस वही फाइव प्रोसेस में होगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन. तो अमीबा की जो बॉडी है वो कैसी होती है, सुडोपोडिया मीन्स इनके फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, सेंस करते फूड को. सपोज फूड अगर इधर रखा होगा तो इनकी फॉल्स फीट जो होंगी इधर की साइड अपना बढ़ा लेंगे बॉडी को और इस फूड को कवर कर लेंगे. तो फर्स्ट जो अमीबा के अंदर जो होगा तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा. ठीक है, और स्पेशली इसके पास ऑर्गन नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन से जो अमीबा अपना फूड को कैप्चर करेगा. तो अमीबा सराउंडेड अ फूड पार्टिकल विद सुडोपोडिया एंड मैक द फूड वैक्यूल. ये फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेगा और क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल. डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, लिक्विड फॉर्म में जो होगा बॉडी से वो अमीबा इसको यहाँ से फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा फिर से बाहर कर देगा. ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड फ्रॉम टू, आई मीन एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से मिलकर बना है डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल मीन्स फुटपाथ की कहाँ कहाँ से होकर फूड जाता है. तो फर्स्ट फूड इंटर थ्रू द बकल कैविटी. बकल कैविटी से फूड आएगा इसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. दिस इज द पाथ ऑफ फूड. ये फूड का पाथ है, दिस इज कॉल एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इनके बीच में कौन कौन सी ग्लैंड एसोशिएट है, तो पेनक्रियास, लीवर, यहाँ पर सेलेवरी ग्लैंड. तो सेलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, दे आर ऑल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स है. तो ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल सबको मिक्स करके क्या बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी. इन बकल कैविटी फूड इंट्री होगी. ठीक है, देन बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, टंग एंड टीथ. तो टीथ हेल्प इन च्यूइंग द, तो टीथ जो होंगे च्यूइंग में हेल्प करेंगे और टंग जो होगी वो सलाइवा मिक्स करेगी. फर्स्ट जो डाइजेशन स्टार्ट है वो बकल कैविटी से ही हो जाता है क्योंकि हम लोगों के फूड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो बकल कैविटी से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है. सलाइवा जो प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से फूड देना आएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से फूड आएगा स्टमक में. ठीक है, तो स्टमक में जो फूड आएगा तो स्टमक के जो फंक्शन है, तीन फंक्शन स्टमक क्या क्या सीक्रेट करता है, तो डाइजेशन फंक्शन आर टेक केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक. स्टमक की इसमें कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. दिस आर रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस. एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, एक प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और म्यूकस. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड. जो भी फूड में बैक्टीरिया आएंगे उन्हें किल करेगा और मेक द मीडियम एसिडिक, और फूड का मीडियम कैसा बन जाएगा, एसिडिक. सेकेंड है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा. म्यूकस जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पर अगर HCl सीक्रेट हो रहा है, पेप्सिन सीक्रेट हो रहा है, तो स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है. तो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस. ठीक है, देन फूड यहाँ से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एंट्री होगी तो लीवर आर ऑल्सो सीक्रेट बाइल जूस. यहाँ से लीवर इसमें बाइल जूस सीक्रेट कर देगा और पेनक्रियास ऑल्सो सीक्रेट इट्स जूस, पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, अब जब फूड यहाँ से डाइजेस्ट होकर इधर आएगा तो एसिडिक मीडियम में था, तो पेनक्रियास जो है उसको फिर से अल्कलाइन मीडियम इस बेसिक मीडियम में करेगा. यहाँ से बाइल जूस जो होगा वह सीक्रेट होगा इसमें. अब बाइल जूस का क्या वर्क है, तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल जूस जो फैट की, फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. इमल्सिफिकेशन मीन्स स्टमक के अंदर जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज वाल्स किल्स में होते हैं, मीन्स लार्ज पार्टिकल्स में होते हैं. उन लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस. तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, मीन्स फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा. पेनक्रियास जो इधर होगा उसमें एंजाइम होगा ट्रिप्सिन, वो यहाँ सीक्रेट होगा. ठीक है, और ये सारे डाइजेशन एंजाइम सब जाकर कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली प्रेजेंट है वो यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है. और अनडाइजेस्टेड फूड आर गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड फूड किधर चला जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन में, हियर सॉल्ट एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर जो भी बॉडी को नीड है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, देन फूड आर स्टोर इन द रेक्टम, देन गो आउटसाइड फ्रॉम द एनस, और एनस से टाइम टू टाइम वो बाहर होता रहेगा। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, आपको बुक में से इसको देखना है। तो सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। अब इसमें ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर्बीवोर्स जो वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, तो हर्बीवोर्स के अंदर ग्रास ईटिंग है तो ग्रास में सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है, तो सेल्यूलोस को इनको डाइजेस्ट करने के लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लॉन्ग होती है। तो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है इन कंपेरिजन टू कार्निवोर्स, कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो डायरेक्ट टू मीट और ये ईट करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, उनकी फूड के अंदर सेल्यूलोस नहीं होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स क्या? रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है हम लोगों की सेल में? ठीक है, लंग्स इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, वहाँ से ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर करने का वर्क होता है, पर मेन रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी और CO2, वो CO2 फिर बाहर हो जाएगी और एनर्जी हमारी बॉडी उसे यूज कर लेगी। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी एनिमल्स में भी आपको देखना, प्लांट्स में भी देखना। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो थ्री टाइप्स होती है। एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टू टाइप का रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन दैट आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन होगा दैट आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पूरे को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टू टाइप का होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। साइटोप्लाज्म, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरूवेट्स में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी में। अब बाकी की जो प्रोसेस है वो सब में अलग अलग होती है। एक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ईस्ट में होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, जहाँ पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स है। जब एक एथलीट रनिंग करता है, जब हम लोग रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बट एनर्जी की, रनिंग करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो उस केस में हम लोगों की लैग मसल्स जो होती है, पाँव की जो मसल्स की जो सेल्स होती है, वो क्या करेगी? एनर्जी की भी नीड है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी में वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, देन रनिंग के बाद फिर आप लोगों ने देखा हो क्रम्प्स बन जाते हैं, या फिर हम लोग जब बाथिंग करते हैं या मसाज करते हैं, वो हॉट वाटर से बात करते हैं, तो फिर से लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोगों की बॉडी की नॉर्मल सेल्स करती है, कहाँ पर होता है? इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, हम लोगों की सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, तो हाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक डायग्राम भी आपको अच्छे से देखना है। फर्स्ट फ्रॉम माउथ और नसल पासेज, यहाँ से एयर आएगी, देन कहाँ पर जाएगी? ट्रेकिया, ट्रेकिया से वो यहाँ से होती ब्रोंकस, यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर इनका जो स्पेस होता है, एल्वोली जो होती है लार्ज स्पेस कर देती, जिससे गैसेज जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, CO2 जो होती है वो लंग्स इनमें आ जाती है एल्वोली में, और ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ से ब्लड वेसल्स में चली जाती है। यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, CO2 ब्लड में हो जाती है, और ब्लड की ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड की CO2 को एल्वोली ले लेगी, एल्वोली फिर ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर पास होकर बाहर। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? रिब्स, रिब्स और डायफ्रागम, डायफ्रागम डाउनवर्ड जाएगा और रिप अपवर्ड जाएगी, तो लंग्स को लार्ज एरिया मिल जाता तो फूकेगा, जिससे ऑक्सीजन जो एयर होगी वो अंदर आ जाती, देन रिप फिर इनवर्ड जाएगी, जब रिप्स अंदर जाएगी तो स्मॉल एरिया कम हो जाता, तो गैस जो होगी वो फिर से बाहर हो जाएगी, ऐसे करके एक्सलेशन और इनहलेशन का वर्क चलता रहता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वेरियस ऑर्गन। मीन्स बॉडी के एक ऑर्गन या एक पार्ट में जहाँ पर सब्सटेंस जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो बॉडी के अदर ऑर्गन तक पास होना। सपोज हम लोगों ने डाइजेशन में देखा था कि फूड इज एब्जॉर्ब बाय द
विली इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, देन वहाँ पर जो विली इज प्रेजेंट होती है वो एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, देन ब्लड वेजल्स में डाल देती है, उस ब्लड वेजल्स से वो ब्लड जो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्या है, तो एक तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, एंड ऑक्सीजन इज कैरी आउट बाय द ब्लड, ऑक्सीजन जो होती है बॉडी के हर एक सेल से ब्लड के थ्रू जाती है, एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो कैरी आउट बाय द ब्लड, और न्यूट्रिशंस को भी वो हर बॉडी के हर ऑर्गन तक लेने का काम कौन करता है, ब्लड या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड और प्लाज्मा पंपिंग ऑर्गन मीन्स हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है, एक तो ब्लड वेजल्स होगी उसमें जो बॉडी में पूरा लेकर जाएगी, एक पंपिंग ऑर्गन होगा हार्ट, ठीक है, और एक है ब्लड जूस को लेकर जा रहा है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंदर कुछ सेल्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब और पंप, हमारा पंप कौन है, हार्ट, तो हार्ट इज अ फोर चैम्बर, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट जो बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ पर आएगा, लाइट आर्टियम, लाइट आर्टियम से वो आएगा राइट वेंट्रिकल, देन फिर वो जाएगा प्लूमिनरी आर्टरीज से लंग्स के पास, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर आएगा, देन प्लूमिनरी वेंस लेकर आएगी, देन लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी में, ऐसे करके पूरा ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। लेकर जाने का काम कौन करेगी, ब्लड वेजल्स में जो होगी आर्टरी और लेकर आएगी वेंस, ठीक है। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में टू टिश्यूज हेल्प करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर का सप्लाई करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का सप्लाई करता है, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपको देखना था पूरा डायग्राम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, किडनी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो होगी वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, देन वेस्ट फिर यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट यूरेटर से, यूरेटर से वो इकट्ठा हो जाएगा यूरिनरी ब्लडी से, और यूरेथ्रा से टाइम टू टाइम बाहर हो जाएगा। और जो मैन एक्सक्रीशन का वर्क है उसकी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, मीन्स थाउजेंड ऑफ नंबर्स में नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। देन एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से है, CO2 और कुछ में गम्स रबर्स होते हैं जो उसके स्टेम से और उससे बाहर हो जाते हैं, CO2 जो स्टोमेटा से इसका एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों का 6 चैप्टर था, इसकी पूरी स्टडी करिए आप लोग लाइन टू लाइन, ठीक है। थैंक यू।